देखिए औसत के बारे में क्या बताया, औसत के बारे में कुछ ही चीज़ डिस्कस की है कल जो बताया था हमने, उसका तो कोई लेवल ही नहीं है, इसलिए हमने उसे अपलोड भी किया है जीरो लेवल से। औसत के बारे में बस इसका अर्थ बताया कल और कुछ नहीं, ठीक है। क्या अर्थ बताया कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक ना। अगर हम कह देंगे कि हमारे गांव के जो लोग हैं उनकी औसत आमदनी 5,000 है, तो राम हो, मोहन हो, कमला, श्यामला, जो भी हमारे गांव में है सबकी आमदनी 5,000 समझी जाएगी, ठीक है। और वैसे यह जरूरी नहीं है, वैसे अगर मींस से बात करें तो वो अलग चीज़ है, हो सकता है किसी का 6,000 है, अगला का 4,000 हो जाएगा, जिनके 5,000 हो गया, लेकिन कह दिए तो मतलब लगभग मतलब टोटल पैसा को अगर टोटल जनसंख्या से भाग देंगे तो आएगा 5,000, ठीक है। यही औसत के बारे में बताए। अब कुछ चीज़ें छोटी छोटी जो छूट जाती है हमसे, जिसको हम नहीं करते हैं, और वही बाद में बहुत बड़ा परेशानी, जैसे एवरेज उवरेज, जब एवरेज पढ़ा दूंगा तो इस ये हो जाएगा कि जैसे टाइम एंड डिस्टेंस को देखो, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन बन जाएगा, वो जो 10% है उसका थ्योरी मैंने बचा कर रखा है, वो मुझे प्रॉपर टाइम मिलेगा, टेस्ट लूँगा, उसके बाद ही उसमें बनाऊँगा, ठीक है। कोहरा वाला एक बचा है और एक बुलेट वाला बचा है, तो वो बचा के हमने रखा है। दूसरी प्रकार आप इसको देखो, ये बहुत आसान चैप्टर है, लगे आसान तो कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी छोटा चैप्टर है। देखो इसमें कुछ फार्मूला आपको ध्यान रखना है और वो लिखना है, ठीक है। लिखिए, कॉपी भी उतार लिया, लगातार एन तक लिखिए, लगातार एन तक, एन तक प्राकृत संख्या जो होता है का योग, लगातार एन तक प्राकृत संख्या का योग बराबर एन इंटू एन प्लस वन वाई क्यू। उतारो, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, अभी बस उतारते चलो, ठीक है। लगातार एन तक प्राकृत संख्या का योग क्या हो गया, एन इंटू एन प्लस वन वाई क्यू। अगर यहीं पे इसी को लगातार एन तक प्राकृत संख्या का औसत, का औसत होता है एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू। आपको वो ऊपर वाला नहीं भी याद रहे तो एवरेज के लिए याद ध्यान रखना, यहाँ से पूछेगा तो फिर टाइम बन तो वैसे भी जाएगा, वो बन ही जाएगा, नहीं बनेगा ऐसी बात नहीं है। टाइम लग जाएगा, चलो देखो फिर दूसरा लिखो। आप पहले से बोल दिए कि साफ कर लो, तो वहाँ खड़ा था, अजीब बात है, तो लेट करके आते हो। यहाँ से तुम्हें चीज़ें याद ही रखनी होगी, तुरंत क्वेश्चन बना वैसे बना सकते हैं रूल से भी कोई पढ़ा इसमें। इसको मैं वापस एक बार बोल दे रहा हूँ,
कि अगर कहीं दिक्कत हो तो देखो, लगातार एन तक क्या होता है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। लगातार एन तक प्राकृत संख्या का योग, मतलब जैसे कहेंगे एक से पचास तक, एक से पचास तक, तो एन कितना हो गया, पचास हो गया। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो लगातार एन तक प्राकृत संख्या का योग अगर निकालना हो, जोड़ निकालना हो, तो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू होता है, ठीक है। अगर लगातार एन तक प्राकृत संख्या का औसत डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, एन प्लस वन बाई टू हो जाए, क्योंकि ये क्या है, योग है। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या होता है, संख्या एन है, एन से एन भाग चला जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। वैसे ही लगातार एन तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, मतलब देंगे एक का स्क्वायर जोड़ दो स्क्वायर पाँच स्क्वायर, ऐसे ही दे देंगे कि एक सौ का स्क्वायर है, जोड़ के बताओ कितना होगा जी, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन आई एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है, ठीक है जी। तो बताओ कि ये योग है, और जब औसत निकालेंगे तो फिर एन से भाग देंगे, ये एन खत्म हो जाएगा, तो यही बचेगा एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। बस इतना ध्यान रखो, अगर ऊपर वाला नहीं तो कम से कम ये दोनों 100% याद होना चाहिए, तभी इसमें नहीं फंस पाओगे। माया कल का है नहीं अपने भाई को लेने के लिए, ऐसे अगर हम लोग नहीं होते तो तुम कैसे जाता, बोला भी हम बोले था जाएगा तो कॉल करना, दो गो मोबाइल पे कॉल किया, एगो स्विच ऑफ था, वो था उससे हमारी दोस्ती है ना, अभी उसको तकलीफ देगा तो मार खा जाएगा, तो लोग हटाए, अभी क्वेश्चन कीजिएगा तो मजा आएगा। कुछ चीज़ें आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी, उसका दूसरा कोई इलाज नहीं, आप वहाँ जब तुम मैथमेटिशियन का नाना थोड़े बनने लग जाएगा, प्रूफ करके आप फार्मूला निकाल लेगा तो जाके वहाँ क्वेश्चन पर लगाएगा, क्वेश्चन हो सकता है, पता चलेगा कि वो क्वेश्चन को वहाँ से टाइम पा दो। जिद कामयाब है लेकिन कहीं कहीं पे जिद कामयाब नहीं है। अब देखिए, तो स्क्वायर हो गया, बोलो इसे साफ किया तो पानी लग गया, डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, बहुत नज़दीक आ गया है समय, अब ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ाने का इच्छा बचेगा तब ना, इच्छा ही नहीं बचेगा मुझे जो लगता है। अब वैसे ही लिखिए कि लगातार एन तक की प्राकृत संख्या के घन का योग, लगातार बुल्लू से लिख देते हैं, योग वाला सब बुल्लू से लिखे हैं, योग बुल्लू से लिख देते हैं, अब चल भी नहीं करेगा। लगातार एन तक प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग लिखिए, कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन का होल क्यूब और बट्टा में चार, एक बार मुझे कंफर्म कर लेता हूँ, यही है सीताराम घनों का योग लिखा है ना, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, अच्छा औसत होता है यार, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लीजिए, घनों का योग, अब वो जो लिखे हैं वो औसत, इसको ऐसे लिखे, लगातार एन तक प्राकृत संख्या के घनों का औसत, संख्या के घनों का औसत। मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है ज़्यादा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो पूछेगा वो हमें अगर पता होता कि क्या पूछता तो यह ना पढ़ा देते, यही तो नहीं पता है कम वक्त ही पूछेगा क्या, तो क्या पूछेगा जब वो पता ही नहीं है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इसको ध्यान रखते। अब औसत जब निकालना होगा तो अभी क्या लिखा है, एन इन ट्वेल्व प्लस वन नहीं लिखा है क्या, बट्टा चार, एन इन ट्वेल्व प्लस वन का होल स्क्वायर बट्टा में चार, ये औसत का फॉर्मूला लिखा लिखा तो ये छाप चलिए छाप, हो गया, आगे बढ़े, तीन चार और लिखना है, तो क्वेश्चन हटाए नहीं भी उतारेगा फिर भी हम तो पीछे ही छूट सकते, तुम्हारे मोबाइल में देखो कोई गुलाम नहीं बना, हम तुम्हारे मोबाइल में क्या देखा,
महीना में रिकॉर्ड है कि हम किसी को अभी तक मारे नहीं है, जान मारेंगे भी नहीं। फिर देखिए अगला है, अब डायरेक्ट औसत की ध्यान रखना, कह रहे हैं लगातार एहन तक दिख तो रहा है ना, लगातार एन तक लगातार एन प्राकृत विषम संख्या, एन प्राकृत विषम संख्या ये इतनी जरूरी थोड़ी है कि सारा फॉर्मूला एक दिन याद कर लो, यह जरूरी है आराम आराम से करना, तीन को एक दिन तक विषम संख्या लिख दिया ना, तो इसका औसत फिर ध्यान रखना है लगातार एन को होता है एन प्लस वन बाई टू। लगातार एन प्राकृत सम संख्या का औसत बराबर एन बाई टू प्लस वन, देखिए एन बाई टू प्लस वन, अब आपको हम जब एस सी एफ एल सी एम पढ़ाएंगे उस वक्त कमाल मच जाएगा, बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, क्योंकि पढ़ लिए हैं बहुत अच्छा। क्या कह रहा है, प्रथम एन प्राकृत सम संख्या का औसत, अब यहाँ तो चीज़ें अलग अलग है, इधर हो जाएगा सम वाला कहाँ है ना, एन प्लस वन हो जाएगा और ये सीधा एन हो जाएगा। इतना काम का